हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। हाय गाइस, दिस इज विशाल सिंह राजपूत फ्रॉम पटना बिहार। वेलकम टू माय ब्लॉग दैट सीज पटना जू। Nice on Paris, yeah। Elephant का barcode लगा हुआ है, यहाँ पे scan कर सकते हैं। यहाँ पे scanner है, यहाँ पे स्कैन करके इसके बारे में आप जानकारी मिल जाएगा, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। बार कोड को स्कैन करते ही मिल जाएगा। इसी एलिफेंट दो जू हाउस इन पटना, काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है अपना जू हाउस इन पटना। हमको कुछ बता गए तब नहीं, खटिया से पलंग खरीदा। हिंदू धर्म के सबसे उच्चतम माने जाने वाले एनिमल दिखाते हैं। बारकोड है, वहाँ पे हिरन है, काफी दूर में है। आई थिंक आप लोग देख लिए होंगे हिरन को। चलते हैं बाहर, एक चीज दिखाते हैं आपको। वेट फॉर यहाँ पे सब साफ सफाई चल रहा है। 5 सेकंड गलियारी हो रहा, ये बार कोड है, यहाँ पे स्कैन करके आप देख सकते हैं। वहाँ पे दरियाई घोड़ा है, दरियाई कौन सी है यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखो क्या है, किसके पास जा रहे हैं। सांभर, यहाँ बार कोड है, स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे सांभर देखिए, बहुत सारा देखा ना, लकड़ी का घर। चिंपांजी, ये चिंपांजी हाउस, ये चिंपांजी कहाँ गया घूमने। आ वहाँ पे है, वहाँ पे दिख रहा है। ये देखो, कहाँ चल गया वो, यहाँ पे
गांव के गोरिल्ला नहीं बनेगा। चलो हो गया, चलो देखा होगा लंगूर है। चिड़िया घर आओ तो गोल गोल घूमने का मजा ही कुछ और है ना। कुछ ही हुआ। हाय गाइस, दिस इज विशाल सिंह राजपूत फ्रॉम पटना बिहार। जिसको भी फ्लाइट का ज़्यादा सपना आता है, यहाँ पे आके पूरा कर सकते हैं। सपोर्ट एट एग्जाम्पल में हम खुद आए हैं, पूरा कर चुके हैं। पटना का चुनाव ऊपर से फ्लाइट जा रहा है मुझ तक, मलकागिनी सर्पगंधा पत्ता अश्वगंधा, ये अश्वगंध का पेड़ है, पौधा है सॉरी, ये छोटी इलायची का पौधा। यहाँ पे सारा कुछ, मतलब यहाँ पे जितना भी है ना जड़ी बूटी बना हुआ, देख लीजिए यहाँ पे सारा पौधा जड़ी बूटी है। प्रकृति को सेफ रखने के लिए एक स्टैचू बनाया है, दिखाते हैं आप लोग को कैसे। ये देखिए इनके पूरे बॉडी पे पेड़ पौधा निकला हुआ है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि हम लोग को पर्यावरण को नष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए ये सोए हुए हैं, कोई स्टैचू है कि नहीं, एक लड़का है और ये स्टैचू, यही वो लड़का है जिनका स्टैचू बना हुआ है। ये रहा पूरा, यहाँ पे सारा जड़ी बूटी का नाम है। इतना सारा हरियाली में दिखता है ना चारों तरफ, जड़ी बूटी में तो जल उद्यान। जल उद्यान में आ गया, ये लगता है जल और पानी सूख गया यहाँ पे तालाब का। ये पहले पानी भरा पड़ रहा था। यहाँ पे चला जाता है, यह जल उद्यान। बहुत गर्मी लग रहा है, एग्जिट होने वाला रास्ता यही है।